मथुरा की छाता तहसील की ग्राम पंचायत पैगाम के उपचुनाव में पप्पी देवी को 1097 वोटों से विजय घोषित किया गया है। पप्पी देवी पूर्व प्रधान स्वर्गीय रामवीर प्रधान की पत्नी है, जिनकी हत्या के बाद पैगाम ग्राम पंचायत की सीट रिक्त चल रही थी, जहां उपचुनाव हुआ है। छाता तहसील के गांव पैगाम के प्रधान और कैबिनेट मंत्री के प्रस्तावक रामवीर प्रधान की विधानसभा चुनावों के दौरान बदमाशों ने कोकला वन धाम पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। तभी से यह सीट रिक्त चल रही थी, जहां निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 4 अगस्त यानी गुरुवार को उपचुनाव कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वर्गीय रामवीर की पत्नी पप्पी देवी को उपचुनाव में विजयी घोषित किया गया। हम आपको बता दें कि पप्पी देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रमन देवी को 1097 वोटों से हराकर विजय हासिल की है। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद उप जिलाधिकारी छाता श्वेता सिंह ने उन्हें विजयी घोषित किया। प्रधान पप्पी देवी को प्रमाण पत्र भी सौंपा, जिसके बाद उनके समर्थकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। आज पैगाम ग्राम पंचायत की मतगणना प्रधान पद के लिए पूर्ण हुई और टोटल 5405 वोट डाले गए थे, जिसमें से पहली जो कैंडिडेट प्रथम जो आई हैं वो पप्पी देवी हैं, उनको 3228 वोट प्राप्त हुए और दूसरी कैंडिडेट रमन देवी जो हैं दूसरे स्थान पर रहीं, इनको 2131 वोट प्राप्त हुए और दोनों में जो अंतर है वो 1097 वोटों का है, तो 1097 वोटों के साथ पप्पी देवी विजयी। जीत रही है, मेरे की अकेली जीत नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की, पूरे समाज की और पूरे गांव बस्ती की जीत हुई है। जीत तो ये पहले हो चुकी है, मेरे पिताजी स्वर्गीय रामवीर प्रधान जी जो 6 महीने पहले गोली मारकर हत्या कर दी थी उनकी कोकलावन में, ये जीत उनकी है और उनकी रहेगी सदा। तो क्या कुछ कहना चाहूँ? और मैं बस्ती माता का, पूरे क्षेत्र का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने इतना प्यार सम्मान मेरे परिवार को दिया, मुझे मेरी माता श्री को इस काबिल समझा। तो गांव में किस तरीके का आप विकास कार्य चल रहा है? विकास कार्य तो बहुत भरपूर चल रहा है, अभी चल रहा है, जो 6 महीने का जो बीच में ये रुकावट हुई थी उस टाइम भी कार्य बहुत चला है गाँव में और अब भी आगे भी कार्य चलता ही रहेगा गाँव में। ये जो हमारे स्वर्गीय श्री रामवीर सिंह प्रधान जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी शनिवार की परिक्रमा देते हुए शनि धाम में, उनके हत्या के बाद ये उपचुनाव हुआ है और जो ये उपचुनाव हुआ है ये धर्म और अधर्म के ऊपर हुआ है। धर्म की मतलब विजयी हुए और मैं यो कह हूँ ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया काम करे, वही लड़का बहुत बढ़िया, कृष्ण की हुई है जी।